गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन अपना इको का पार्ट चालू कर रहे हैं। अब देखो, अपना पेपर 3 है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, फिर अपना ये चैप्टर एंटरप्रेन्योरशिप सिनारियो चालू हो जाएगा। ठीक है, अब देखना मेरी बात। अपना इको है 50 नंबर का, ठीक है। उसके दो पार्ट है, 25 मार्क्स का अपना इकोनॉमिक्स है, 25 मार्क्स का अपना बिजनेस एनवायरनमेंट है। आप बोलोगे सर ये लिखा कहाँ पर है, आप जाके प्रोस्पेक्टस में पढ़ लो। प्रोस्पेक्टस में साफ साफ मेंशन है, 25 मार्क्स के 5 चैप्टर है और 25 मार्क्स के 3 चैप्टर है। तो अभी हम जो हमारे ये है बिजनेस एनवायरनमेंट है, जिसके 3 चैप्टर है, दोनों की वेटेज इक्वल है। इकोनॉमिक्स की भी वेटेज इक्वल है और बिजनेस एनवायरनमेंट की भी वेटेज इक्वल है। तो अपन आज से अपना बिजनेस एनवायरनमेंट चालू करेंगे और इसमें फर्स्ट चैप्टर चालू करके आज खत्म भी कर देंगे। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो करते हैं। इसके अंदर अपन को क्या करना है, ये अपन ने देख लिया कि 25 मार्क्स के दोनों हैं। ठीक है, जो लोग नए आए हैं सब्सक्राइब कर दो, नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रखा है उसमें मेरे को मैसेज कर दो, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जिसमें आपको नोट्स मिलेंगे। ये सारे नोट्स आपको ग्रुप में अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं वो मेरे को एक बार मैसेज भी कर देना कि सर आप मेरे को नोट्स दे दो। ठीक है, अब देखो मेरी बात, ये जो चैप्टर है इसमें अपन पढ़ेंगे गवर्नमेंट इनिशिएटिव। गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव करे, तो वो 3 से लेके 4 इनिशिएटिव है टोटल इस चैप्टर में, कि गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव करे हैं एंटरप्रेन्योरशिप को इंडिया में इंकरेज करने के लिए। अब बोलोगे एंटरप्रेन्योरशिप क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे कॉमर्स के होंगे उनको सब पता होगा, पर जिनको नहीं पता एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक्टिविटी ऑफ सेटिंग अप अ बिजनेस टेकिंग ऑन फाइनेंशियल रिस्क इन होप ऑफ अ प्रॉफिट। मतलब मैं कहीं बिजनेस एक्टिविटी सेटअप कर रहा हूँ, मैं बिजनेसमैन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, बिजनेस एक्टिविटी सेटअप कर रहा हूँ, स्टार्टअप सेटअप कर रहा हूँ। क्यों सेटअप कर रहा हूँ, लॉस में जाने के लिए तो करूंगा नहीं सेटअप, मेरे को होप है कि हाँ इससे मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, इससे मैं मल्टी मिलीनियर बन सकूंगा, इससे मैं करोड़पति बन सकूंगा, मतलब मेरे को होप है प्रॉफिट का। तो एंटरप्रेन्योरशिप वही होता है कि कोई बिजनेस एक्टिविटी को सेटअप करना इन होप ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो गवर्नमेंट के अपने 4 अपन को पढ़ने हैं, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, सारे सेम लिखते हैं पर फर्क है इन चारों में, तभी ये 4 अलग अलग स्कीमें अपन पढ़ लेंगे। इसके बाद इन 4 को पढ़ने के बाद अपना एक एक पेज का वो है कि बॉटल नेक्स क्या होते हैं, वो सब तो बहुत ईजी है। मेन है इस चैप्टर में 4 अपन को इनिशिएटिव पढ़ने हैं। अब सबसे पहला इनिशिएटिव अपन पढ़ रहे हैं मेक इन इंडिया। देखो मेरी बात, मेक इन इंडिया तो सबने सुना ही होगा, मेक इन इंडिया का मतलब आओ भारत में बनाओ। किसने दिया, मोदी जी ने दिया। किसने दिया, मोदी जी ने दिया। कब दिया, 2014 में दिया। क्या बोला मोदी जी ने, आओ सब भारत में बनाओ, वर्ल्ड को इंडिया के अंदर अट्रैक्ट करने के लिए, वर्ल्ड को इंडिया के अंदर आने के लिए इनविटेशन दिया कि आओ आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करो, आप मेक इन इंडिया करो, मतलब इंडिया में बनाओ। इसके मतलब क्या निकल रहा है मेक इन इंडिया से, आप इंडिया में बनाओ। इंडिया में बनाने से क्या फायदा होगा, हमें क्या फायदा होगा, हमें इंडस्ट्री सेटअप होगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, हमारी जीडीपी बढ़ेगी, हमारे लिए तो फायदा ही फायदा। इनको क्या फायदा है, इनके लिए भी इनको है ना टैक्स देने में कुछ ना कुछ इनको वो दे देंगे, क्या बोलते हैं उनको, रिलैक्सेशन दे देंगे। मतलब मेक इन इंडिया के तहत आप लोग सब इंडिया में आओ, आप लोग इन्वेस्ट करो, इंडिया की ग्रोथ करो। क्यों करो, क्योंकि इंडिया आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज देगा, आपको बिजनेस सेटअप करने में मदद करेगी इंडियन गवर्नमेंट। तो आओ आओ, पूरे दुनिया को मोदी जी ने 2014 में इनविटेशन दिया और ये स्कीम ब्लॉकबस्टर स्कीम हुई मेक इन इंडिया। ठीक है, ब्लॉकबस्टर स्कीम है, बहुत बहुत ज़्यादा इससे इन्वेस्टमेंट आया है। तो अब देखो मेरी बात, इसमें क्वेश्चंस कौन कौन से आ सकते हैं, इसमें क्वेश्चंस ये आ सकते हैं कि पहली बात ये किस मिनिस्ट्री के अंडर चल रही है। लॉन्च तो मोदी जी ने करा, उसके बाद अपने बहुत सारे मिनिस्ट्री होती है, तो कौन सी मिनिस्ट्री इसके अफेयर्स को हैंडल कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसको हैंडल कर रही है। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर क्या है, ये है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसको अपन DPIIP बोलते हैं, इसको अपन DPIIP बोलते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन ये आ सकता है, मेक इन इंडिया को कौन, मेक इन इंडिया किसके अंडर चल रही है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर चल रही है, इसको इसके अंदर का डिपार्टमेंट कौन सा है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये वाला डिपार्टमेंट इसको मैनेज कर रहा है। अब इसका मतलब मैंने आपको बता दिया, ओपन इन्विटेशन टू द वर्ल्ड,
शोकेसिंग इंडियाज पोटेंशियल फॉर बीइंग अ मैन्युफैक्चरिंग हब, ठीक है, आप अपनी इंडस्ट्रीज इंडिया में लाओ, ये सब आया। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, कौन से ईयर में लॉन्च हुई, सारी स्कीम के ईयर ध्यान रखने। 2014 से लेके 16 के बीच में ही बहुत सारी स्कीम आई है, क्योंकि 2014 में गवर्नमेंट चेंज हुई थी, यूपीए से एनडीए हुआ था, अपने मनमोहन सिंह से मोदी जी आए थे, तो वो बहुत सारे नए इनिशिएटिव लाए थे जो कि वो आज तक चल रहे हैं, ठीक है। तो अपना सेकेंड एमसीक्यू हो गया। थर्ड एमसीक्यू अपना क्या बन सकता है कि जब ये स्कीम बनी थी इसका एम क्या था। देखो इसका एम बहुत ध्यान रखने वाली चीज है, इसका एम था 16 से लेके 25% हमारी जीडीपी के अंदर, इसका हमारी जीडीपी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो रोल है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का रोल है उसको हमें, जो कि 16% थी उसको हमको 25% करना है। कब तक करना है, 2022 तक करना है, ये 2022 है, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो के साथ नोट्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चे आजकल सिर्फ नोट्स देख रहे हैं तो उससे तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। देखो मेक इन इंडिया मैंने आपको बता दिया, मिनिस्ट किस किस डिपार्टमेंट में है बता दिया, कब लॉन्च हुआ ये मैंने आपको बता दिया, इसका मेन एम क्या था, 16 से 25% हमारी जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन करना, इसका मेन एम था। इसके बाद इसका एक और मेन एम था कि इसके 100 मिलियन न्यू जॉब्स बाय 2022 बनानी थी, बाय 2022 बनानी थी। अब इसमें कितने सेक्टर्स मेक इन इंडिया में कवर करे, 25 सेक्टर्स मेक इन इंडिया में कवर करे। तो अपने एमसीक्यू तैयार होते जा रहे हैं साथ में। सेक्टर्स बोले तो अपना मीडिया सेक्टर हो गया, डिफेंस सेक्टर हो गया, ऐसा करके 25 सेक्टर्स की लिस्ट है, वो आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखनी, ठीक है। अब देखो मेरी बात, पहला क्वेश्चन क्लियर, सेकंड क्वेश्चन क्लियर, थर्ड क्वेश्चन क्लियर, फोर्थ क्वेश्चन क्लियर, फिफ्थ क्वेश्चन नॉट क्लियर, क्या लिख रखा है सर। देखो ये अपनी 25 फोकस सेक्टर्स तो अपन को याद करने हैं, इनमें गवर्नमेंट ने 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करी थी, मतलब 100% आप फॉरेन फॉरेनर्स आके 100% अपना इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर्स में कर सकते हैं, वरना गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ चीजें कुछ परसेंटेज रोक कर रखती है। तो उन्होंने मीडिया डिफेंस और स्पेस में रोक दिया। मान लो कोई बाहर की कंपनी आके अपने पूरे मीडिया के अंदर पूरा डोमिनेंस क्रिएट कर ले, तो वो बाहर की कंपनी अपनी मीडिया को कैसे चला सकती है, मीडिया तो खुद इंडिया की होनी चाहिए। डिफेंस बाहर की कंपनी आके सारा इन्वेस्टमेंट अपना डिफेंस में लगाते, तो डिफेंस तो अपना इंडिया का खुद का होना चाहिए। तो इस तरीके से 25 फोकस सेक्टर है जिसमें गवर्नमेंट ने 100% एफडीआई अलाउ करा है, इनमें से तीन है जो एग्जेम्पशन है, मतलब मीडिया डिफेंस और स्पेस में 100% नहीं है, बाकी सारे फोकस सेक्टर्स में अपना 100% इन्वेस्टमेंट है। तो अपन ने मेक इन इंडिया कर लिया, मेक इन इंडिया के बाद अपन क्या करेंगे, स्टैंड अप इंडिया नहीं करेंगे, अपन सबसे पहले स्टार्टअप इंडिया करेंगे। स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया से अपन को क्या समझ में आ रहा है कि कुछ नया स्टार्ट करूं, स्टार्ट बोले तो कुछ नया स्टार्ट करूं, अपन नाम के वर्ड से ही समझ रहे हैं कि मेक का मतलब क्या होता है, आओ बनाओ, भारत में बनाओ, भारत है तैयार, आओ बनाओ, ठीक है। और स्टार्टअप इंडिया से क्या होता है, स्टार्टअप इंडिया मतलब कुछ नया स्टार्ट करो। अब देखो मेरी बात, स्टार्टअप इंडिया का बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है कि आप लोग है ना नए स्टार्टअप्स लाओ, न्यू स्टार्टअप्स लाओ। अब क्यों लाओ, आप नए स्टार्टअप्स लाओगे तो आपका, अगर ये स्टार्टअप चल गया, अगर आपका स्टार्टअप फेमस हो गया तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगी। और इससे क्या होगा, इससे अपनी गवर्नमेंट के अंदर अपनी इंडिया में इनकम जनरेट होगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो अल्टीमेटली बेनिफिट तो आपका हो रहा है पर इंडिया को भी बेनिफिट हो रहा है। तो गवर्नमेंट बहुत इनिशिएटिव लेती है कि आप नए नए स्टार्टअप लाओ, आप नए नए अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आओ। हम आपको क्या मदद करेंगे, हम आपको लोन दे देंगे, हम आपको टैक्स रिलीफ दे देंगे, मतलब देखो आप बेनिफिट तो कर रहे हो पूरे इंडिया को, पर गवर्नमेंट इनिशिएट क्यों कर रही है, गवर्नमेंट इनिशिएट इसलिए कर रही है क्योंकि पूरे गवर्नमेंट पूरे भारत का बेनिफिट हो रहा है, पूरे इंडिया का बेनिफिट हो रहा है कि आप स्टार्टअप ला रहे हो। आप अगर एक जने को भी एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो तो एक जने का एम्प्लॉयमेंट भी बहुत बड़ी बात है, आप वेल्थ जनरेशन कर रहे हो, आप जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, आप ये चीजें बाहर बेच रहे हो, पूरे वर्ल्ड में बेच रहे हो, तो उससे अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट में फर्क पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट अपन को लोन देती है या टैक्स रिलीफ देती है, तो इसे अपन बोलते हैं स्टार्टअप इंडिया, कि कुछ नया स्टार्ट करो, स्टार्टअप इंडिया। वर्ड से ध्यान रखना वरना इन चारों में बहुत कंफ्यूजन होगा क्रिएट, ठीक है। अब देखो मेरी बात,
वो वाली स्कीम अपनी 2014 में लॉन्च हुई, ये वाली स्कीम अपनी 2016 में लॉन्च हुई। लॉन्च ईयर याद रख लेना, अपना 25 नंबर का बिजनेस एनवायरनमेंट, और इसमें मात्र 3 चैप्टर हैं, और इकोनॉमिक्स अपना 5 चैप्टर का, 25 नंबर का। ये इजी है, इसमें याद करने के लिए कम है, और ये स्कोरिंग है, विद एक्यूरेसी स्कोरिंग है, ठीक है। उसमें डिमांड सप्लाई के ग्राफ व्राफ में कंफ्यूज हो सकते हो, इसमें कंफ्यूज नहीं हो सकते, इसमें तो अपन को सीधा याद करना है कि कौन सा ईयर है, ठीक है। देखो अब ये किसके अंदर आई थी, जो मेक इन इंडिया जिस स्कीम के अंदर आई थी ना, जिस डिपार्टमेंट के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसमें ही ये स्कीम आती है, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया हो गया, किस ईयर में आया, 2016 में आया। किस मिनिस्ट्री के अंदर आया, इस मिनिस्ट्री के अंदर आया। इसके अंदर का डिपार्टमेंट कौन सा है, वही है DPIIT होगा, ट्रेड है ना लास्ट में, ठीक है। तो ये वाले अपने 2 क्वेश्चन हो गए। इसका स्टार्टअप इंडिया का रोल क्या है, प्रमोशन ऑफ स्टार्टअप्स, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड वेल्थ क्रिएशन, एंड टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ कंट्री ऑफ जॉब क्रिएटर्स इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसका इन्वेस्टमेंट चला तो ये कम से कम 1 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा, तो ये जॉब क्रिएटर हो गया, ये अपना जॉब क्रिएटर हो गया। तो हमें जॉब क्रिएटर बनना है, ऐसा नहीं कि हम दूसरी कंट्रीज में जाके इधर उधर जॉब ढूंढ रहे हैं। हम जॉब को क्रिएट करने का इनिशिएटिव है कि हम खुद स्टार्टअप इंडिया के थ्रू गवर्नमेंट से लोन लेके, गवर्नमेंट से टैक्स रिलीफ लेके हम नया स्टार्टअप क्रिएट करें, उससे अपना जॉब क्रिएटर बने हम, ठीक है। तो ये इसका रोल हो गया। अब देखो इसका एम क्या है, स्कीम के एम है, पहली बात प्रमोटिंग बैंक फाइनेंसिंग, दूसरी बात मतलब स्कीम आपको क्या बेनिफिट देगी अगर आप इस स्कीम को लोगे। तो पहली बात, आपको जो बैंक फाइनेंसिंग होगी उसमें थोड़ी मदद मिलेगी आपको। जो देखो कंपनी को, स्टार्टअप को चलाना आसान है, पर उसको इनकॉर्पोरेट करना मुश्किल है। अपन कंपनी लॉ खत्म कर चुके, कंपनी लॉ में अपन ने क्या सीखा है, क्या सीखा है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ समथिंग बिग और समथिंग स्मॉल इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क रेदर देन रनिंग इट। मतलब उसको चलाना आसान है, पर उसको एक बार लॉन्च करना, उसको एक बार इनकॉर्पोरेट कराना, उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे इनमें है ना, पता नहीं किस किस रास्तों से जाना पड़ता है, तब जाकर रजिस्ट्रेशन होता है। तो स्टार्टअप इंडिया में क्या करेंगे, हम आपको सिंप्लीफाई करेंगे प्रोसेस, और फिर हम आपको टैक्स में एग्जेम्पशन देंगे, हम आपको टैक्स में एग्जेम्पशन देंगे, हम आपको बैंक से लोन दिलाने में मदद करेंगे, हम आपको ये जो इनकॉर्पोरेशन है वो सिंप्लीफाई करेंगे, और हम फिर आपको टैक्स एग्जेम्पशन देंगे, ठीक है। अब देखो पर एक बात बताऊं, अगर सबको ही अपन ये सारे बेनिफिट दे देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं हुआ ना। कुछ लोग तो कैपेबल हो गए, और हम सबको ही अगर हर स्कीम का बेनिफिट दे देंगे तो फिर उस स्कीम का कोई मतलब नहीं है ना। तो बेनिफिट किसको मिलता है, जो नीडी होता है। अब नीडी का क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया मेरे पास नहीं है, क्राइटेरिया गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट ने क्या क्राइटेरिया दिया है कि पहली बात वो रजिस्टर्ड इंडिया में होनी चाहिए, ऐसा नहीं अमेरिका की कंपनी ने बोला वाह यार स्टार्टअप इंडिया लॉन्च हुआ है, चलो 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 हमें बहुत सारे रिलैक्सेशन मिलेगी, हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऐसा नहीं होता। इंडिया में कंपनी का ये स्टार्टअप रजिस्टर्ड होना चाहिए, और रजिस्टर्ड कितना, 7 साल के अंदर अंदर ही ये स्कीम का फायदा उठा सकता है। अगर कोई स्टार्टअप 20 साल पुराना है तो वो स्टार्टअप इंडिया में अब इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सकता। मतलब कोई स्टार्टअप 7 7 ईयर्स के अंदर, 7 ईयर्स के अंदर किसी भी ईयर में अपना स्टार्टअप इंडिया का फायदा उठा सकता है। मतलब मैंने नया स्टार्टअप खोला तो मैं तुरंत फायदा उठा सकता हूँ इस स्कीम का। मान लो मैंने स्टार्टअप खोला, 7 ईयर्स हो गए, 7 ईयर्स बाद में बोलू गवर्नमेंट प्लीज मेरे को आप है ना इसके अंदर रिलैक्सेशन दो, गवर्नमेंट बोलेगी जाओ यहां से, ठीक है। तो अपन 7 ईयर्स के अंदर ही इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। और पर एक और चीज है, बायोटेक्नोलॉजी जो सेक्टर होता है ना, बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर, उसमें ये लिमिट 10 ईयर्स की है। बस क्या ध्यान रखना है, 2016 डिपार्टमेंट ध्यान रख लिया, कॉन्सेप्ट अपन ने नाम से समझ लिया कि स्टार्टअप इंडिया का मतलब क्या हुआ, और उसके बाद अपन ने 7 और 10 ईयर्स वाली लिमिट देख ली, इंडिया में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, उसका एनुअल टर्नओवर 25 करोड़ से कम होना चाहिए किसी भी साल में। अब यार जो कंपनी 25 करोड़ कमाती हो, जिसका टर्नओवर 25 करोड़ का, उसको हम स्टार्टअप इंडिया के अंदर बेनिफिट क्यों देंगे। भाई तू कमा सकती है, यू आर कैपेबल इनफ टू अर्न फॉर योर लाइवलीहुड एंड ऑल्सो एम्प्लॉय अदर्स,
सो वी विल नॉट गिव बेनिफिट टू यू इन दिस स्कीम, ठीक है? तो 25 करोड़ के अंदर ही टर्नओवर होना चाहिए। अब मेरी बात सुनो, इस थर्ड पॉइंट का मतलब क्या है? इट इज नॉट फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। बहुत बड़ा बिजनेस था, किसका था? ए और बी का था। बहुत बड़ा बिजनेस, मान लो हीरो होंडा था, मान लो हीरो होंडा था, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ? दोनों की लड़ाई हो गई, हीरो अलग हो गया, होंडा अलग हो गया। अब ये होंडा बोले, यार चलो अब अपन टूट तो चुके ही हैं, पर हमारे पास सारी मशीन वशीन तो है ही, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है, फिर भी हम तो स्टार्टअप इंडिया में जाके बेनिफिट उठाएंगे गवर्नमेंट की स्कीम्स का। इसे कहते हैं अनफेयर यूज। अनफेयर यूज बोले तो, अगर कोई कंपनी रिकंस्ट्रक्शन हुआ, अगर कोई कंपनी स्प्लिट हुई है, तो उसको वो कंपनी पहले से फंक्शनिंग कर रही थी और पहले से बहुत अच्छी फंक्शनिंग कर रही थी। हीरो होंडा की पहले से बहुत बाइक्स सेल हो रही थी, पर वो कंपनी, अगर उसका कंपनी के बीच में रिकंस्ट्रक्शन हुआ है कंपनी का, वो कंपनी नई नहीं बनी, वो कंपनी पुरानी कंपनी से टूट कर बनी है, तो वो स्टार्टअप इंडिया का फायदा नहीं उठा सकती, वो स्टार्टअप इंडिया का फायदा नहीं उठा सकती। यही ये पॉइंट बोलता है, ठीक है? तो क्या बोला? इट इज नॉट फॉर्म्ड बाय स्पिटिंग और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। तो अपन ने स्टार्टअप इंडिया भी समझ लिया, अपन ने स्टार्टअप इंडिया भी समझ लिया, ठीक है? अब अपन आगे चलते हैं। अब देखो, अब एक और चीज ये एमसीक्यू में आ सकता है। ये जो कंपनी है ना, जिसको अपन स्टार्टअप इंडिया के अंदर रजिस्टर करा रहे हैं, जिस जो स्टार्टअप अपन रजिस्टर करा रहे हैं, वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है, वो एक पार्टनरशिप हो सकती है जो कि रजिस्टर्ड हो। यूजुअली मैंने कंपनी लॉ में बताया ही नहीं, कंपनी लॉ में है ही नहीं, पार्टनरशिप में है ही नहीं कि पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड होना पड़ता है। पार्टनरशिप तो म्यूचुअल एग्रीमेंट पे बन जाती है, पर इसमें कंडीशन क्या दे रखी है? रजिस्टर्ड पार्टनरशिप होनी चाहिए, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप होनी चाहिए। अब ये मत बोलना मॉड्यूल में गिवन नहीं है, मॉड्यूल में पार्टनरशिप फर्म गिवन है, पर एक्चुअल में रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म होते हैं। नेट पे चेक कर लेना, ठीक है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म मतलब वो जो स्टार्टअप है, वो तीनों कैटेगरी में से किसी कैटेगरी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। या तो वो प्राइवेट कंपनी है, या वो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है, या वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है, LLP है। अब ये बोलोगे ये क्या होती है? मैंने कंपनी लॉ कंप्लीट करा दिया है, मेरी प्लेलिस्ट देखो, चेक करो, लीगल एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट चेक करो, उसमें मैंने आपको पार्टनरशिप फर्म कंपनी ये सब चीजें पहले ही बता दी है, इसलिए ये चैप्टर मैंने बाद में लिया। अगर अपन को कंपनी और पता ही नहीं, शेयर होल्डिंग पता ही नहीं, तो अपन इस चैप्टर में क्या सीखेंगे, ठीक है? अब देखो मेरी बात, अब ये जो स्टार्टअप इंडिया है, इसमें और बेनिफिट्स गवर्नमेंट क्या देती है? गवर्नमेंट क्या करती है इसमें? आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आसान कर देती है, ये अपन ने पढ़ लिया। गवर्नमेंट आपको 3 साल तक टैक्स देने के लिए रिस्ट्रिक्ट कर देते, रिस्ट्रिक्ट बोले तो एग्जेम्प्ट कर देते कि आप, ठीक है, आपने नया नया स्टार्टअप इनकॉर्पोरेट करा है, तो हम आपको 3 ईयर्स का टैक्स एग्जेम्पशन देते हैं। पर उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट अवेल कराना पड़ता है इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड से, ठीक है? करवा लेके क्या दिक्कत है? जब गवर्नमेंट की स्कीम है स्टार्टअप इंडिया, उसका प्रोसीजर है कि आपको एक सर्टिफिकेट ऑब्टेन कराना पड़ेगा, तो करा लेंगे, पर हमें 3 साल का बेनिफिट तो मिल जाएगा ना टैक्स से, हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कितनी अच्छी बात है, ठीक है? जो गवर्नमेंट के टेंडर, देखो मेरी बात, टेंडर बोले तो गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट निकालती है कि हमें 100 फोटोकॉपी मशीन चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें मास्क चाहिए, हमें सैनिटाइजर चाहिए, तो उन्हें बोलते हैं टेंडर। अगर आप नए स्टार्टअप हो, या फिर अगर आप स्टार्टअप हो स्टैंडअप इंडिया के, अगर आप स्टार्टअप हो स्टार्टअप इंडिया के स्कीम के अंदर, तो आपको गवर्नमेंट टेंडर्स में प्रेफरेंस मिलेगी। कि ये चाहे आपके पास एक्सपीरियंस हो या ना हो, तुम सोचोगे यार एक बात बताऊं, मैं कंपनी 50 ईयर्स से फंक्शनिंग कर रहा हूं, और ये सामने वाला बंदा, इसको 5 दिन नहीं हुए स्टार्टअप खोले हुए, और गवर्नमेंट इसको प्रेफरेंस दे रही है, तो गवर्नमेंट का पता है लॉजिक क्या है? गवर्नमेंट का लॉजिक ये है कि हाँ, तुम 50 साल से फंक्शनिंग कर रहे हो, मतलब तुम आत्मनिर्भर हो, तुम कर सकते हो, तुम्हें सब आता है, वो कंपनी नहीं आई है, हमें उसको प्रमोट करना है, हमें उसको इनकरेज करना है, हमें उसको डिसकरेज नहीं करना, इसलिए हम उसको बेनिफिट दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट टेंडर्स में उनको बेनिफिट मिलता है, ठीक है? अब एक और क्या चीज़ है, रजिस्ट्रेशन सिंप्लीफाई कर दिया, टैक्स बेनिफिट दे दिया, गवर्नमेंट टेंडर्स में बेनिफिट दे दिया, और ह्यूज
नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज बोले तो गवर्नमेंट दो स्टार्टअप फेस्ट कंडक्ट कराती है, जिसमें सारे स्टार्टअप्स को इनवाइट करते हैं कि आप आओ और अपना स्टार्टअप को शोकेस करो। उसके अंदर बहुत सारे डोमेस्टिक और नेशनल और इंटरनेशनल लोग आते हैं आपको आपका स्टार्टअप देखने के लिए। अगर उनको आपका स्टार्टअप पसंद आया तो आपके तो बल्ले बल्ले, आपके तो मजे हो जाएंगे, क्योंकि वो आपको आपका एक तरीके से शेयर होल्डिंग में इन्वेस्ट करेगी, वो आपको पैसा देगी काम करने के लिए, वो आपको फंडिंग प्रोवाइड करेगी। तो ये ह्यूज नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज है जो बंदा स्टार्टअप इंडिया में एलिजिबल है और स्टार्टअप इंडिया में काम कर रहा है, स्टार्टअप इंडिया को फंक्शनिंग, स्टार्टअप इंडिया के अंदर अपनी उसने स्टार्टअप का इनकॉर्पोरेट करा है। अब देखो एक और चीज, देखो स्टार्टअप का मतलब ही एक तरीके से होता है कोई नई चीज करना। उसने नया स्टार्टअप खोला है, उसने यूट्यूब का कॉन्सेप्ट निकाला है, उसने फेसबुक का कॉन्सेप्ट निकाला है। तो ये सारी चीजें स्टार्टिंग में बहुत स्मॉल थी, वो स्टार्टअप थी, अब ये बड़ी बड़ी कंपनियां बन चुकी, बड़े बड़े इनके कितने कितने करोड़ों के शेयर्स हैं। तो इनका काम कि ये लोग क्या स्टार्टअप क्या करते हैं, कोई नई चीज बनाते हैं, यूनिक चीज बनाते हैं। उनके लिए यूनिक, हर यूनिक चीज के लिए पेटेंट होता है। पेटेंट बोले तो ये मेरा है, इसको तुम यूज नहीं कर सकते। अभी कोई कोरोना वायरस की दवा बना देगा तो जो कंपनी दवा बनाएगी वो उसका पेटेंट ले लेगी। पेटेंट बोले तो माय ओरिजिनल इन्वेंशन, पेटेंट बोले तो माय ओरिजिनल इन्वेंशन, मेरी ओरिजिनल इन्वेंशन है। बाद में कोई उसका है ना दोस्त जाके किसी और को बता दे और उसने भी इन्वेंट कर लिया तो उससे कोई मतलब नहीं है, मेरी ओरिजिनल पेश वो है, मैंने इसका पेटेंट ले लिया। ठीक है, तो पेटेंट की फीस भी होती है। तो गवर्नमेंट इस जो बंदा इस स्कीम में रजिस्टर्ड कराने के बाद पेटेंट लेता है उसको 80% रिबेट देती है, और उसके लिए प्रोसीजर भी फास्ट होता है, उसके लिए प्रोसीजर भी फास्ट होता है। तो देखो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है अभी तक। तो स्टार्टअप इंडिया का मतलब समझ लिया, स्टार्टअप इंडिया में कौन कौन एलिजिबल है अपन ने ये समझ लिया, और अपन ने बेनिफिट समझ लिया कि स्टार्टअप इंडिया के बेनिफिट्स क्या है अगर तुम स्टार्टअप इंडिया के अंदर अपनी चीजों को अवेल करते हो। ठीक है, अब देखो मेरी बात, अब अपन बात करते हैं स्टैंड अप इंडिया की। स्टैंड का मतलब क्या हुआ कि स्टैंड अप इंडिया, खड़े हो जा, स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, तुम बोलोगे कि हमने लोन तो प्रोवाइड कर दिया, हमने लोन तो प्रोवाइड कर ही रहे, जो लोग एलिजिबल है किसमें, स्टार्टअप इंडिया में हम उनको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। पर हमेशा क्या होता है कि हमेशा जो हमारी बैकवर्ड कम्युनिटीज है, जो हमारी बैकवर्ड कम्युनिटीज है उनके लिए हमेशा स्पेशल प्रिविलेज होती है। क्यों होती है स्पेशल प्रिविलेज? क्योंकि उनके फोर फादर्स ने, जो उनके उस टाइम के लोग हैं, उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी है, उनका अपलिफ्टमेंट के लिए प्रिविलेज होती है। किसको होती है? एससीज को होती है, एसटीज को होती है, और वुमेन्स को होती है। मतलब उनको प्रिविलेज होती है आज के टाइम में। क्यों होती है? क्योंकि उनके फोर फादर्स को बहुत दिक्कतें हुई है, उनको परेशानी हुई है, तो उनका अपलिफ्टमेंट भी हमारी जिम्मेदारी है। तो गवर्नमेंट ने स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया बोले तो ये स्कीम किसके लिए? ये स्कीम सिर्फ इन तीन कैटेगरी के लोगों की है, एससी के लिए, एसटी के लिए एंड वुमेन्स के लिए। स्टैंड अप इंडिया की कोई बात नहीं, जो पहले हो गया हो गया, अब उनको इनकरेज कर रही है, उनको इनकरेज कर रही है कि आओ। ठीक है, तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम, अब देखो मेरी बात, इसको कौन कोऑर्डिनेट करता है? इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है, इस बात का ध्यान रखना। इससे पहले तो दोनों मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री था, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, और इसकी इंटरनल ब्रांच का नाम भी डीएफएस है। उसमें तो डीपीआईआईपी था, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसका क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस है, इसका क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इस स्कीम को चलाती है, ये स्पेसिफिक टू सर्टेन कैटेगरीज, ये मैंने आपको बता दिया। फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ एससीज, एसटीज एंड वुमेन बाय गिविंग देम लोन्स बिटवीन 10 लाख एंड 1 करोड़। देखो इस स्कीम में लोन कितना मिलता है? 10 लाख से 1 करोड़ का लोन ले सकती है। कौन ले सकती है? इन तीन में से कोई कैटेगरी में जो भी हो वो ले सकता है। अब ऐसा नहीं कि 10 साल का बच्चा जाके बैंक में मेरे को 1 करोड़ का लोन चाहिए, वो बोलेगा निकल। क्यों? क्योंकि अबव 18 होना जरूरी है, अबव 18 होना जरूरी है। तो देखो स्टैंड अप इंडिया के अंदर अपन ने अभी तक क्या पढ़ा, स्टैंड अप इंडिया का मतलब है कि कोई बात नहीं,
पहले एट्रोसिटीज हुई है, कोई बात नहीं, अब खड़े हो जाओ, अब खड़े हो जाओ मतलब अब हम आपको इनकरेज कर रहे हैं, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, वेल्थ जनरेशन में, इंडिया की जीडीपी में मदद करो। तो ये कैटेगरी किसके लिए? ये सिर्फ एससी एसटी वुमेन के लिए जो कि 18 ईयर से अबव है। और इसमें अपन को कितने तक का लोन मिलता है? इसमें अपन को 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन मिलता है, ठीक है। अब एक और चीज मान लो, ये कंपनी है, कंपनी तो अलग होती है, कंपनी तो अलग एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, इसकी तो अलग एक कॉरपोरेट पर्सनैलिटी है, ये तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो ये तो एस सी एस टी या वुमेन हो नहीं सकता। तो इसके केस में क्या होगा? इसके भाई लॉजिकल बात है ना, कंपनी लॉ में क्या पढ़ा है अपन ने, इसकी कोई कास्ट होती है, इसका कोई जेंडर होता है, ये तो आर्टिफिशियल पर्सन है, ये तो लीगल एंटिटी है, ये तो एक कॉरपोरेट पर्सनैलिटी है, सारी चीज अपन पढ़ के आए हैं, मैं कुछ भी ऐसी नहीं बोल रहा, कंपनी लॉ कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और देखो एक चीज और, रिविजन के बिना कुछ नहीं होगा, मैं चीजें पढ़ाते जाऊंगा सारी भूलते जाओगे, पेपर से एक दिन पहले बोलोगे यार आपने तो कुछ पढ़ाया ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा। रिवाइज करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, रोज नया टॉपिक चालू होने से पहले पुराना सारा रिवाइज कर दो, 2 दिन जोर आएगा, तीसरे दिन बिल्कुल जोर नहीं आएगा। तो देखो मेरी बात, कंपनी एक लीगल एंटिटी है, ये तो एससी नहीं हो सकती, ये तो एसटी नहीं हो सकती, ये तो वुमेन नहीं हो सकती, इसका सलूशन क्या है? अगर कंपनी इंडिविजुअल एंटिटी है, कंपनी अगर लीगल एंटिटी है, अगर इसके 51% शेयर कोई एससी एसटी या वुमेन की कैटेगरी में होल्ड कर रहा है, तो ये कंपनी भी इस स्कीम के अंदर बेनिफिट उठा सकती है, ये कंपनी भी इस स्कीम के अंदर बेनिफिट उठा सकती है। तो मैंने क्या बोला, अगर कोई कंपनी है उसके अंदर 51% तक एससी एसटी या वुमेन शेयर होल्ड कर रहा है, तो वो कंपनी भी स्टैंड अप इंडिया के थ्रू बेनिफिट उठा सकती है, उठा सकती है। देखो ये नॉन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इंडिविजुअल का तो कास्ट जेंडर सब कुछ होता है, पर अगर वो इंडिविजुअल नहीं है, कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उस केस में क्या होगा? उस केस में हमारा 51% वाला क्राइटेरिया लग जाएगा और अपना फिर आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो स्टैंड अप इंडिया में आधा पेज का और है, हाँ तो अपन बोल रहे थे ये हाफ पेज का और है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। तो देखो इसमें लोन जो अपन कर रहे थे स्टैंड अप इंडिया कर रहे थे अपन, कि कोई बात नहीं जो हुआ ठीक है, एस सी एस टी वुमेन के लिए है, इसमें लोन ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए ही मिलता है। अब ग्रीन फील्ड क्या होता है? देखो कॉमर्स वालों को पता होगा ग्रीन फील्ड क्या होता है, कि मैं मेरी फैमिली में कोई भी बिजनेस नहीं करता, मेरा बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी मैं बिजनेस में एंटर कर रहा हूँ, मैं बिजनेस में एंटर कर रहा हूँ, तो मेरा फर्स्ट जॉइंट वेंचर है, मेरा बिजनेस से कोई लेना देना नहीं था, मैं न्यू बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे को मुझे बिजनेस का ABCD भी नहीं आता, मेरे को बिजनेस करना बिल्कुल नहीं आता, मैं पहली बार बिजनेस कर रहा हूँ, तो उसे बोलते हैं फर्स्ट जॉइंट वेंचर, मतलब ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। देखो लोन्स आर अवेलेबल फॉर ओनली ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, इट मीन्स दैट फर्स्ट टाइम यू आर एंटरिंग इन टू दैट वेंचर, देन ओनली यू विल बी कंसिडर्ड अंडर दिस ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, एंड देन ओनली यू विल बी कंसिडर्ड इन अ लोन कैटेगरी ऑफ स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया की बात कर रहे हैं एस सी एस टी वालों, एस सी एस टी कैटेगरी को लोन देने के लिए जो बनाया है उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्रीन फील्ड हो गया, अब तुम बोलोगे कि वो कौन सा होता है जो है ना, मतलब ऐसा काम कर रहा हो कि वो पहले से ही एंटर कर रहा हो, उसके 5-6 बिजनेस और एक और बिजनेस बना रहा है, उसे बोलते हैं ब्राउन फील्ड, उसको अपन लोन इस कैटेगरी में नहीं देंगे, ठीक है। और जो लोन ले रहा है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3-4 बैंक के लोन ही उस पर डिफॉल्ट पे चल रहे हैं, मतलब 3-4 बैंक के लोन ही उसने अभी तक वापस नहीं करे हैं, कोई बैंक के लोन उसने ले रखा और डिफॉल्ट लिस्ट में उसका नाम हो, ऐसे को भी अपन स्टैंड अप इंडिया के अंदर लोन नहीं देंगे। अब और चीजों की बात करते हैं, जो लोन होता है ना ये MCQ आ सकता है, लोन का नेचर कंपोजिट होता है, कंपोजिट बोले तो कॉमर्स वालों को पता होगा कि टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल लोन क्या होता है। टर्म लोन मतलब मैं इसको बहुत बेसिक एग्जांपल से समझाता हूँ, कि मेरे को घर बनाने के लिए लोन चाहिए, मेरे को लैंड भी खरीदना है, लैंड खरीदना तो टर्म लोन हो गया, और फिर उसमें कंस्ट्रक्शन करवाना वर्किंग कैपिटल लोन हो गया, मतलब टर्म लोन तो हो गया मेरा लैंड उस प्लॉट की जमीन खरीदना, और वर्किंग कैपिटल लोन क्या हो गया, डे टू डे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, घर बनाना, वो सारी चीजें करना। तो
कंपोजिट लोन होता है, जो लोन अपन देते हैं ना उसमें दोनों चीज इंक्लूड होती है, तो टर्म लोन भी इंक्लूड होता है, वर्किंग लोन भी इंक्लूड होता है। उसका नाम याद रखो, कंपोजिट लोन, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। इसका रीपेमेंट कब तक करना होता है? लोन तो ले लिया, लोन कोई तुम्हें फ्री में थोड़ी बांट रहा है कि 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन ले लो। 7 ईयर्स का टाइम मिलता है रीपेमेंट करने का, 7 ईयर्स में ईएमआई और भर के रीपेमेंट कर दो, और 18 मंथ्स का मोराटोरियम पीरियड मिलता है कि भाई इतना पीरियड के अंदर तुम्हें ईएमआई से रिलैक्सेशन मिलता है। सबको पता होगा कॉमर्स वाली फील्ड का है तो बिल्कुल भी, मतलब भाई रीपेमेंट कितने का है? 7 साल का। एमसीक्यू में क्या आएगा? 7 साल आएगा। और अपना ये रिलैक्सेशन पीरियड कितने का होगा? 18 मंथ्स का रिलैक्सेशन पीरियड होगा। अपन ने लोन नेचर कर लिया, रीपेमेंट कर ली। अब देखो, अब जो लोन है उस पर इंटरेस्ट रेट कितनी होगी? इंटरेस्ट रेट होगी एमसीएलआर, एमसीएलआर, एमसीएलआर बोले तो जो लोएस्ट रेट होती है, जो कि जिस पे बैंक लोन देते हैं, एमसीएलआर बोले तो जो लोएस्ट रेट होती है, जो बैंक जिस पे लोन दे सकता है, दैट प्लस 3% प्लस टेनर प्रीमियम। रट लो इसको, अगर नहीं समझ में आया तो रट लो, ठीक है। कि भाई पहली बात तो जितना उसका मिनिमम है बैंक का, एमसीएलआर जितना उस बैंक का है, उतना इंटरेस्ट प्लस 3% इंटरेस्ट प्लस टेनर प्रीमियम। टेनर प्रीमियम बोले तो जितने ज्यादा ईयर्स हो गए उतने ज्यादा उसको प्रीमियम, उतना ज्यादा उसका होगा, ठीक है। तो ये होता है टेनर प्रीमियम। ये इसकी डिटेल्स हो गई। देखो, डिटेल्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसका ये इंपॉर्टेंट है कि स्टैंड अप इंडिया होता क्या है, लोन किसको मिलता है, कितने साल के अबव को मिलता है, कौन सी मिनिस्ट्री कराती है, अगर कंपनी है तो कितना कैटेगरी है, ग्रीन फील्ड को मिलता है, ब्राउन फील्ड को मिलता है, डिफॉल्ट वाले को मिलता है नहीं मिलता, नेचर कैसा है इस लोन का, एमसीएलआर प्लस 3% प्लस टेनर प्रीमियम है, और 7 ईयर्स 18 मंथ्स का, 7 ईयर्स का अपना वो है रिपेमेंट का टाइम, और 18 ईयर्स का रिलैक्सेशन है कि उस पीरियड में अगर अपन ईएमआई नहीं दिए, 18 मंथ्स तक अपन ने ईएमआई नहीं दी तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना अपन को रेगुलरली ईएमआई पे करनी होती है। तो अपन ने क्या कर लिया, फ्रंट पेज पर आओ सब, आ जाओ। देखो, अपन ने मेक इन इंडिया देख लिया। अपन ने मेक इन इंडिया क्या होता है, आओ आओ इंडिया में इन्वेस्ट करो, ठीक है। अपन ने स्टार्टअप इंडिया देख लिया कि आओ आओ नए स्टार्टअप बनाओ, और अपन ने स्टैंड अप इंडिया देख लिया कि कोई बात नहीं, एट्रोसिटीज हुई है, अब हम अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, उनको ग्रैब करो और नया तुम अपना बिजनेस करो जिससे कि वेल्थ जनरेशन हो इंडिया की जीडीपी के अंदर। अब बचा क्या, स्किल इंडिया। एक अब देखो, अपन ने ये कर लिया, अब स्किल इंडिया को एक बार पॉज करते हैं, स्किल इंडिया को अपन एक बार पॉज करते हैं, स्किल इंडिया के बाद के दोनों टॉपिक देख लेते हैं, फिर अपन स्किल इंडिया भी देख लेंगे, ठीक है। स्किल ये चार हो गए, ये चार हो गए, ठीक है। चार के बाद आता है पांचवा। ये क्या बोलता है, ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक जनरल बात बोली है कि हमें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बोले तो रोड्स को एक्सेसिबल बनाना है। अभी लद्दाख में रोड्स का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रिमोट एरियाज में अगर रोड्स ही नहीं होगी तो उसमें डेवलपमेंट प्रोसेस कैसे होगा? अगर सड़क ही नहीं होगी तो मशीन्स कैसे, मशीन्स कोई पैदा तो कर नहीं सकते, मशीन कोई उगा तो सकते हैं नहीं, मशीन का तो ट्रांसपोर्टेशन ही होगा, तो बिना रोड्स के कुछ नहीं हो सकता। तो ये फिफ्थ पॉइंट एक जनरल पॉइंट बोल रहा है कि हमें अपने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है, इंडिया को अपने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है। उसने उसको करने के लिए इंडिया ने कई कई सेक्टर्स में 100% एफडीआई भी कराए। तो ये जनरल पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये किसी स्कीम का नाम नहीं है। अब देखो, मॉड्यूल में इसके नीचे एक कि रिपोर्ट दे रखी है, रिपोर्ट बोले तो इसका एस्टीमेट दे रखा है। इस चैप्टर में सिर्फ एक का ही एस्टीमेट है, डीएनबी का एस्टीमेट दे रखा है। देखो ब्लर हो गया, डीएनबी का एस्टीमेट दे रखा है। डीएनबी क्या बोलता है, ये जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट है ना, ये अपना 2000, ये अपना फाइनेंशियल ईयर 15 में तो 7.5 था, ये फाइनेंशियल ईयर 25 में 10.4 हो जाएगा। अगर अपन इसी पेस में इन्वेस्टमेंट करते रहे, अगर हम मेक इन इंडिया बाहर से लोगों को बुलाते रहे कि आओ इंडिया में इन्वेस्ट करो, आओ इंडिया में फैक्ट्री खोलो, तो हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट होगा, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। तो ये एक एस्टीमेट दिया है कि 7.5% से 10 साल में 2025 तक 10.4% हो जाएगा। किसने दिया है? डीएनबी ने एस्टीमेट दिया है। तो इसको भी याद कर लेना, क्योंकि इस पॉइंट में और कुछ याद करने का नहीं है, तो थ्योरेटिकल पॉइंट है, इसमें सिर्फ यही चीज याद करने की है। तो अपन ने स्किल इंडिया भी अपन करेंगे, तो अपन ने ये स्किल इंडिया के बाद ये क्या कर लिया, फिजिकल वाला पॉइंट कर लिया।
तो ये अपने गवर्नमेंट के एक तरीके से इनिशिएटिव्स हो गए। इसके बाद क्या दे रखा है, आधा पेज का, बस आधा पेज के दो चीज दे रखी है। पहले अपन इस पे बात करते हैं, नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। अरे यार इसकी क्या नीड है, ये तो देखो वही बात हो गई, थ्योरी वाली बात आ गई, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट वाली बात हो गई। थ्योरी पे क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन आते कॉन्सेप्ट पे। पर इसमें भी दो वर्ड है, देखो ये आ सकता है, हु आर नोन एज चेंज एजेंट्स एंड हु आर नोन एज स्पार्क प्लग्स। हु आर नोन एज चेंज एजेंट्स एंड हु आर नोन एज स्पार्क प्लग्स। एंटरप्रेन्योर आंसर है इसका, कि भाई वो ही चेंज एजेंट है, वो ही इंडिया की इकोनॉमी के अंदर, इंडिया की सोसाइटी में नए नए स्टार्टअप करके, उनको पेटेंट करके चेंज ला सकते हैं। वो इस स्पार्क प्लग से इकोनॉमी के अंदर तेजी के लिए जो चिंगारी चाहिए वो अपने स्टार्टअप्स के अंदर है। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी। अगर हमारे स्टार्टअप्स बढ़ेगा, इंडिया में स्टार्टअप्स बढ़ेगा, इंडिया में इन्वेंशंस बढ़ेगी, तो इंडिया उनको बाहर भेजेगा, पूरे वर्ल्ड में उसको अपने इन्वेंशंस को भेजेगा, तो एक्सपोर्ट बिजनेस बढ़ेगा। अब नीड क्या है, पहली बात तो उनको क्या बोलते ही देख लिया, एक्सपोर्ट बिजनेस बढ़ेगा। इकोनॉमिक कंसंट्रेशन एक हाथ में नहीं होगा, सिर्फ अंबानी के पास ही रिलायंस नहीं होगा, उसके अलावा अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो और लोगों के पास भी उस चीज़ का बेनिफिट आएगा, तो इकोनॉमिक कंसंट्रेशन है ना रिड्यूस होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अगर कोई रूरल एरियाज़ में जाके, रीजनल एरियाज़ में, लोकल एरियाज़ में जाके फैक्ट्री लगा रहे हैं तो उसके पास वाले एरिया को बहुत बेनिफिट होगा, वहाँ का डेवलपमेंट होएगा, वहाँ रोड्स बनेगी, वहाँ पर कॉरिडोर्स बनेंगे, वहाँ टूरिस्ट की जगह बनेगी, तो रीजनल डेवलपमेंट के लिए होगा। और अल्टीमेटली जो स्किल है, जो एंटरप्रेन्योर, जो किसी आम आदमी की स्किल है जो वो यूज कर सकता है पर किन्हीं कारणों की वजह से यूज नहीं कर पा रहा, उनको बूस्ट मिलेगा। इट्स प्रमोट्स इफेक्टिव यूज ऑफ कैपिटल, कैपिटल का और स्किल का, विच माइट अदरवाइज बी रिमेन अनयूटिलाइज्ड। समझ गए, थ्योरिटिकल एस्पेक्ट, तो इनमें क्वेश्चन नहीं आ सकते, बस समझाने के लिए मैंने समझा दिया। अब देखो मेरी बात, प्रॉब्लम्स क्या है एंटरप्रेन्योर ग्रोथ में, प्रॉब्लम्स क्या है इसको पढ़ना, ये एक पेज का है मॉड्यूल में, मजा आएगा। देखो मैं समझाता हूँ, इनएफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट। अरे कोई स्टार्टअप चालू करोगे तो तुम्हारे पास उसका रोड मैप होना चाहिए कि आज हम यहाँ पर हैं, 5 दिन बाद यहाँ पर होगे, 1 महीने बाद यहाँ पर होगे, पूरा टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। पर तुम तो पहले दिन से ही सपने बैठ के मैं गूगल का सीईओ बनूंगा, तो ऐसा नहीं होता, हार्डवर्क से ही कुछ चीज़ें आती है। तो इनएफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट है, लैक ऑफ मनी है, बहुत दिक्कत है भाई, मनी नहीं है, उसके लिए तो गवर्नमेंट तुम्हें मनी देकर प्रोवाइड कर रही है क्योंकि लैक ऑफ मनी की दिक्कत है। टू मच नॉइज, मतलब बहुत ज़्यादा आजकल लोग हाइप बनाने में बिलीव करते हैं। टू मच नॉइज का मतलब कि सोशल मीडिया पे पब्लिसिटी करते हैं, प्रिंटिंग, एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर में ये सब करते हैं, पर उनको ये समझ में नहीं आता कि बहुत सारी कंपनियां जो ये सब करने के बाद भी बंद हो गई। क्यों? क्योंकि कंपनियों के अंदर यूनिकनेस नहीं थी, हार्डवर्क नहीं था, फोकस नहीं था, डेडिकेशन नहीं था। तो वो बोलता है टू मच नॉइज का मतलब इतनी चीजें करने से भी कुछ नहीं होता, हार्ड वर्क पे बिलीव करो, सक्सेस अपने आप तुम्हारे पास आएगी। ठीक है, स्मॉल नेटवर्क है भाई, नेटवर्क छोटा है, मेरे पास अप्रोच नहीं है, मैं क्या करूं, नेटवर्क छोटा है मेरा, इसलिए ये सारे प्रॉब्लम से एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ में क्यों नहीं हो पाती भाई, टाइम मैनेजमेंट तुम नहीं करते इसलिए नहीं हो पाती, पढ़ाई क्यों नहीं हो पाती, आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के क्यों भूल जाते हो, क्योंकि रिवाइज तुम लोग नहीं करते इसलिए आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के भूल जाते हो, और रिवाइज करना ही सोल्यूशन है। लैक ऑफ मनी, ठीक है, टू मच नॉइज, टू मच हाइप, स्मॉल नेटवर्क और ग्रोइंग टू मच टू सून। ये जो सपने होते हैं ना कि मैं आज ही गूगल का सीईओ बन जाऊंगा, मैं आज ही ये कर दूंगा, ऐसा नहीं होता। अगर तुमने स्टार्टअप आज खोला है तो उम्मीद करो तुम 20 साल बाद सक्सेस होगे, तब जाके कुछ होगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ग्रोइंग टू मच टू सून, ये सब चीज़ों में अगर बिलीव करोगे तो स्टार्टअप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, यही ही इन दोनों में मेंशन्ड है। इसके बाद स्किल इंडिया करने के बाद ये चैप्टर कंप्लीट, इतना ही चैप्टर है, लोग इसको 3 3 4 4 घंटे की क्लास में ले जाते हैं, इसमें कुछ है ही नहीं, चैप्टर ही छोटा सा अपना, हम कोई फालतू में थोड़ी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब देखो एक स्किल इंडिया और कर लेते हैं, ये जो स्किल इंडिया मैंने छोड़ दिया था ना इसको और कर लेते हैं। ये मैंने इसलिए छोड़ा जिससे कि बच्चे वीडियो स्किप करके ना चल जाएगी, सर ये चैप्टर तो इतना बड़ा है, पता नहीं कितने कितने इनिशिएटिव पढ़ाओगे, इसलिए मैंने उन चीज़ों को पहले बता दिया जिससे कि अपना हो जाए। ठीक है, अब 1 मिनट रुको, स्किल इंडिया का आ गया अपना, यही है स्किल इंडिया, हाँ यही है स्किल इंडिया। अब देखो मेरी बात, स्किल इंडिया अपना कोई मिनिस्ट्री हैंडल नहीं करती, ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक कंपनी है,
ये एक कंपनी है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक कंपनी है, वो स्किल इंडिया प्रोजेक्ट को हैंडल करती है, वो स्किल इंडिया प्रोजेक्ट को हैंडल करती है। ये कब लॉन्च हुआ था? 2015 में लॉन्च हुआ था। इसका एम क्या है? इसका एम है 40 करोड़ लोगों को स्किल प्रोवाइड करना 2022 तक। इसका एम है 40 करोड़ लोगों को स्किल प्रोवाइड करना 2022 तक, ठीक है। हर का एम होता है, मेक इन इंडिया का एम है जीडीपी का कंट्रीब्यूशन बढ़ाना, स्टार्टअप इंडिया का एम है जॉब्स क्रिएट पूरे करना, मतलब वो सारी चीजें देख लेना। तो स्किल इंडिया का क्या एम है? 40 करोड़ लोगों को स्किल प्रोवाइड करना। स्किल मतलब उनको कैपेबिलिटी प्रोवाइड करना कि वो कुछ ना कुछ काम कर सके, किसी एरिया में फंक्शन कर सके। कब तक? 2022 तक। इसको कोई इंडस्ट्री, कोई मिनिस्ट्री, सॉरी, इसको कोई मिनिस्ट्री नहीं संभालती, इसको अपना कंपनी संभालती है। अब देखना, अब कंपनी की बात आए तो कंपनी का सारा लॉजिक लगा दूं, अपन ने पढ़ चुके हैं कंपनी लॉ में, मैं पढ़ा चुका हूँ ये सारी चीजें। इनको अगर समझ नहीं आ रही तो मतलब कंपनी लॉ में गड़बड़ करा है, कंपनी लॉ में आप लोगों ने गड़बड़ करा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो देखो, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है ना, NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। नॉट फॉर प्रॉफिट कौन सी कंपनी होती? जल्दी कमेंट करो, कर दिया कमेंट, कर लो जल्दी। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी, कंपनी लॉ, सेक्शन 8 कंपनी होती है। सेक्शन 8 होती है चैरिटेबल कंपनी। तो ये नेशनल, ये जो हमारी NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये एक सेक्शन 8 कंपनी के तरफ गवर्नमेंट ने इसको इनकॉर्पोरेट करा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। कब? कंपनीज एक्ट 2013 में। देखो, ये जो स्किल इंडिया प्रोजेक्ट है ये कौन संभालता है? ये NSDC संभालती है। ये एक सेक्शन 8 कंपनी है, इसको गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर कंपनीज एक्ट 2013 में NSDC को इनकॉर्पोरेट करा है, ठीक है। और इसमें गवर्नमेंट का 41% शेयर तो गवर्नमेंट का है, और प्राइवेट शेयर 51% है, और प्राइवेट शेयर 51% है। ये एक कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट का 51%, गवर्नमेंट का 49% शेयर है और प्राइवेट का 51% शेयर है। और ये कंपनी स्किल इंडिया को मैनेज करती है, ये कंपनी स्किल इंडिया को हैंडल करती है, ये कंपनी स्किल इंडिया के लिए सब कुछ करती है। समझ में आया? समझ में आया, ठीक है। अब देखो मेरी बात, स्किल इंडिया के अंदर थोड़ी फालतू की बकवास है। बकवास बोले तो कोई लोन वोन का तो सिस्टम है नहीं इसके, इसको कंपनी हैंडल करती है। तो कंपनी ने वेरियस इनिशिएटिव उठाए स्किल इंडिया के लिए। स्किल इंडिया बोले तो हमें लोगों को स्किल देनी है, हमें लोगों को टेक्निक्स देनी है कि वो अपना काम और कर सके, स्किल प्रोवाइड करनी है हमें यूथ को, क्योंकि यूथ एम्पावर होगा तभी कुछ होगा। तो स्किल इंडिया में क्या, अब देखो दो अपनी मॉड्यूल में तीन दे रखे, इसमें कुछ वो नहीं है कि लोन वोन, तो ये थोड़ा बोरिंग हो जाता है, पर कोई बात नहीं, अपन इंटरेस्टिंग बनाएंगे, ठीक है। देखो पहली बात तो एक मिनट रुको, ये प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र बनाती है, इसके अंदर इन लोगों को स्किल दी जाती है। ट्रेनिंग नीड्स टू बी देयर टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इंटू स्किल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, दीज ट्रेनिंग सेंटर्स आर नोन एज प्रधानमंत्री कौशल केंद्र। अगर कभी प्रधानमंत्री कौशल केंद्र आए तो वो इसमें किसमें है? वो स्किल इंडिया के अंदर है, ठीक है। किसने बनाया उसको? नेशनल, ये अपनी NSDC ने बनाया, ठीक है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कंपनी के अंडर काम करती है। अब इसकी फंडिंग कौन देता है? ये कौशल केंद्र, ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक होता है, तो इसकी फंडिंग कौन देता है? इसकी फंडिंग 75% NSDC देती है। इसको बनाने के लिए फंडिंग NSDC कितनी देती है? 75%। इसमें यही ध्यान रखने का है। और उस 75% में क्या इंक्लूड होता है? मशीनरी इंक्लूड होती है, प्लांट इंक्लूड होता है, ट्रेनिंग एसोसिएटेड आइटम्स इंक्लूड होते हैं, और जो सिविल वर्क होता है थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन वो इंक्लूड होता है। तो प्रधानमंत्री कौशल केंद्र के अंदर 75% पैसा कौन देता है? NSDC देता है इसको बनाने के लिए। इसमें लोगों को स्किल्स प्रोवाइड की जाती है। आगे चलो, आगे हो गया अपना सेकेंड और थर्ड पॉइंट। पहले थर्ड पॉइंट देखते हैं, वेरियस मिनिस्ट्रीज, बहुत सारी मिनिस्ट्री ने एक मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन साइन करा है किसके लिए? टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है? इसके अंदर जो बेस्ट स्किल वाले लोग होते हैं, बेस्ट स्किल वालों को जापान के इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जापान भेजा जाता है, और उनको 3 से लेके 5 ईयर्स की ट्रेनिंग दी जाती है उन वर्कर्स को, जो कि बहुत बढ़िया है स्किल के अंदर। इस मिशन से जो स्किल के अच्छे लोग निकल रहे हैं उनको
कहाँ पर भेजा जाता है उनको, जापान के इंडस्ट्रियल सोसाइटी में 3 से लेके 5 ईयर तक की ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसको इसको पॉसिबल करने के लिए जापान की मिनिस्ट्री ने और इंडिया की मिनिस्ट्री ने मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन साइन कराए कि हम ऐसा करेंगे। समझ में आ गया? कब साइन करा है? 2017 में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है 2017, ठीक है? इंपॉर्टेंट क्या है? 3 से लेके 5 ईयर्स के लिए जापान के अंदर। अब देखो, अब नेशनल स्किल से रिलेटेड एक पॉलिसी गवर्नमेंट ने फ्रेम करी है 2015 में। नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी गवर्नमेंट ने फ्रेम करी है। कब फ्रेम करी है? 2015 में। क्यों फ्रेम करी है? उनको यूथ को स्किल देनी थी। स्किल क्यों देनी थी? जिससे कि यूथ अपना आत्मनिर्भर हो सके, यूथ अपना काम खुद कर सके, इंडिया का यूथ स्किल वाला हो सके, अनएम्प्लॉयड एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, अनएम्प्लॉयड ना हो, ठीक है? अब एक और चीज है, प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग क्या होती है? जब कोई इंडिया का वर्कर किसी और कंट्री में जाता है, माइग्रेंट वर्कर होता है जो किसी और कंट्री में जाता है, उसमें दो तरह की ट्रेनिंग होती है, 160 आवर और 1 डे ट्रेनिंग। 1 डे ट्रेनिंग होती है टू ऑल द माइग्रेंट वर्कर्स हु आर लाइकली टू डिपार्ट सून, जो बहुत जल्दी, जो कल ही जा रहे हैं, उनको एक दिन ट्रेनिंग करके, इस डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग करके ही उनको परमिशन मिलती है, इमिग्रेशन का ग्रांट मिलता है। और 160 आवर की ट्रेनिंग में क्या होता है? उनको उस कंट्री का ओरिएंटेशन, उस कंट्री की लैंग्वेज, उस कंट्री की डिजिटल लिटरेसी, इन सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाती है। कौन देती है? गवर्नमेंट देती है। तो देखो, प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग क्या होती है? माइग्रेंट वर्कर्स को दी जाती है जब वो शिफ्ट होते हैं। इन ऑर्डर टू ओरिएंट द माइग्रेंट वर्कर्स विद रिगार्ड टू डू एंड नॉट टू डू इन द डेस्टिनेशन कंट्री, PDOT, प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग इज लॉन्च्ड बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है? तो ये अपन ने इसको कंप्लीट कर लिया। अब देखो मेरी बात, एक और चीज देख लेते हैं, एक मिनट रुको। अपन ने चारों स्किल, स्किल इंडिया के अंदर दो तीन है, उनके पॉइंट्स देख लो, बाकी कुछ नहीं करना। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में रिपोर्ट देख लो, उसके बाद बॉटल नेक्स देख ली, और उसके बाद अपन ने नीड्स देख ली। अब देखो, मैं एक बार मॉड्यूल को भी शो करा देता हूँ, ठीक है? कोई डाउट हो तो मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ लेना। और देखो, बिना रिविजन के कुछ नहीं आएगा, 25 मार्क्स का पोर्शन है, बहुत स्कोरिंग पोर्शन है। अगर रिवाइज कर लोगे तो मज़ा आ जाएगा, नहीं करोगे तो आप लोगों की मर्जी, ठीक है? अब देखो, अपन ने क्या कर लिया, एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो एक चैप्टर कर भी लिया, 3 में से अपन ने 1/3 पार्ट कर भी लिया, ठीक है? सेकंड भी अपन जल्द कर लेंगे। अब देखो, एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो क्या दे रखा है इसमें, एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट इनिशिएटिव, पहला क्या है मेक इन इंडिया, ये सेक्टर याद नहीं करने। दूसरा क्या है स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया अपन ने कर लिया, ये लोन वोन कर ली, SC ST की एज कर ली, ये सब चीज़ें अपन ने कर ली। स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया अपन ने कर लिया, ठीक है? स्किल इंडिया, स्किल इंडिया में NHDC के बारे में अपन ने पढ़ लिया, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र के बारे में पढ़ लिया, स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी के बारे में पढ़ लिया, 75% फंडिंग के बारे में पढ़ लिया, प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग क्या होती है उसके बारे में पढ़ लिया, ये सब ऐसे ही है। उसके बाद अपना जापान वाला अपन ने कर लिया, ठीक है? उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इसकी रिपोर्ट थी, ये सब थ्योरी है, थ्योरी पढ़ के देखना, कुछ भी क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। ये अपनी रिपोर्ट है यहाँ पर एक, ये रही, इसको अपन ने कर लिया। इसके बाद नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप की क्या ज़रूरत है, वो सारी नीड्स कर ली। ये अपनी थ्योरी का पार्ट है, और ये मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया लेक्चर के अंदर। बॉटल नेक्स क्या है इंडिया के अंदर, ग्रोथ में इनएफिशियंट टाइम मैनेजमेंट, लैक ऑफ मनी, टू मच नॉइस, ये सारी चीज़ें अपन ने कर लिया, अपन ने एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर कर लिया। अब सुनो, एक और चीज़ देख लेते हैं, एक मिनट रुको। हाँ, ये क्या चीज़ है, ये पीछे के क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन का कहीं पर भी डिस्कशन नहीं है, पर क्वेश्चन पढ़ के क्या लग रहा है, लेबर की बात करिए, लेबर की बात कौन करेगा? वर्ल्ड बैंक तो करेगी, पर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्यों करेगी? ये सब भी कर सकते हैं, पर मोस्ट मोस्ट बढ़िया तुक्का कौन सा होगा, इंडियन लेबर रिपोर्ट होगा। तो अपन ने इसको आंसर कर दिया। अब देखो, स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया किसके अंदर है? देखो, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया तो वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट एंड कल्चर के अंदर है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में है, तो आंसर हो गया ये। अब इसको पढ़ो क्या लिखा है, मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स थिंक ऑफ ऑन इन फाइनाइट टाइम स्केल्स एज दो दे हैव कॉन्स टू अचीव गोल्स। फिर ये फालतू की बात है, इनएफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट का नतीजा है। मेक इन इंडिया कब लॉन्च हुआ, 2014 में लॉन्च हुआ, किसने लॉन्च करा, मोदी जी ने लॉन्च करा। एम क्या था, एम बताओ, 100 मिलियन जॉब समथिंग था, ठीक है? और रजिस्ट्रेशन, अब देखो, रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टार्टअप मैंने बताया था, स्टार्टअप
ये जो अपनी स्टार्टअप स्कीम है इसके अंदर अगर तुम्हें फायदा उठाना है तो क्या किसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म में कराना पड़ेगा, LLP में कराना पड़ेगा, प्राइवेट लिमिटेड में कराना पड़ेगा, इसमें थोड़ी कराना पड़ेगा। तो आंसर हो गया अपना ये। तो अपन ने ये चैप्टर कर लिया, सब्सक्राइब कर देना प्लीज, कर देना। MCQs हो रहे सब जल्द प्रोवाइड होएगा, पहले कोर्स कंप्लीट होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और एक और चीज, सब्सक्राइब तो करोगे, बेल आइकन को दबा देना जिससे कि मेरा लेक्चर अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।